छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस के साथ मुंबई में हुए रेप के मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। मामले में महिला आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। मामले में आरोपी आयुष तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आयोग के सचिव की ओर से महाराष्ट्र डीजीपी को लिखे गए पत्र में एक्ट्रेस की शिकायत की पूरी जानकारी दी गई और इसमें शादी का झांसा देकर रेप किए जाने और फोटो वायरल कर बदनाम करने की धमकी का मामला शामिल है। मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक का कहना है कि देश में कहीं भी छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ अन्याय होगा तो महिला आयोग की टीम उसके साथ खड़ी रहेगी। और कलाकार के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मेरे साथ अनाचार की घटना घटी, जिसके बाद मैंने 16 नवंबर को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर FIR 25 नवंबर को दर्ज की गई, वो भी बहुत मुश्किल के बाद। फिलहाल आयुष तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी वो गिरफ्त से बाहर है। अभी उन्होंने केवल एक आरोपी पर मामला दर्ज किया, दूसरे आरोपी पर दर्ज नहीं किया है। अभी उस फिल्म कलाकार ने मुझसे बात भी किया है और उसने बताया कि कल DCP मुंबई ने उन्हें बुलाया है, 4 बजे टाइम दिया है और वहां जाएंगी और उसके बाद दूसरे आरोपी पर भी FIR दर्ज करने के लिए अभी प्रयास जारी है। IG हमारे रायपुर आनंद छाबड़ा ने बात की है और उन्हें उल्लेख कहा है कि उनकी मदद करें। वो जो आप बता रहे हैं उस ट्वीट का जिक्र हमें ध्यान में आया था और इस पर उन्होंने बात की है स्वयं आनंद छाबड़ा ने और उनकी मदद करने का बम्बई की पुलिस ने कहा कि हम उसको पूरी मदद करेंगे।